So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your VM here, back again with another video. So guys, अभी हमारे यहाँ पर सेमीफाइनल जो क्वार्टर फाइनल है उसके आगे का मैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे. मिलता हूँ मैं आपसे बाद में. स्टे ट्यून. सो गाइस, अभी यहाँ पर जो सेकेंड मैच स्टार्ट होने जा रहा है वो है गोल्डन स्टार और इनिंग स्टार के बीच में. बिकॉज इसके पहले जो सुपर ओवर आपने देखकर ओवर के लास्ट बॉल पर सुलिंदर ने बहुत ही बढ़िया चौका मारा था, जिसके वजह से अभी इनिंग स्टार है जो आ चुकी है क्वालिफाई में. अभी ये इसके पहले वाले मैच में गोल्डन स्टार हार चुकी थी और इसके पहले वाले मैच में इनिंग स्टार जीत चुकी थी. तो अब ये दोनों का मुकाबला होगा. इसमें से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और फाइनल मुकाबला खेलेगा. तो आप देखते रहिए, स्टे ट्यून. मिलता हूँ मैं आपसे. सो गाइस, अभी यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है फाइनल में जाने का मुकाबला. फाइनल में एक टीम चले गई है जो कि ये हमारे एम्पायर खड़े विवेक, इनकी टीम है जो कि आरसी बॉयज है. वो ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है. जो रूल आईपीएल में होता है सेम रूल जीपीएल में भी हमारे 2022 में. और ये जो इसके पहले का जो आपने सुपर ओवर मैच देखा होगा, ये सुपर ओवर मैच में इनिंग स्टार ने लास्ट बॉल पर सुलिंदर ने स्कोर मार के अपनी टीम को लेकर आ गई है. रिकॉर्डिंग में कुछ नॉट आउट दिख रहा है तो. हाँ, जरूर जरूर. यहाँ पर हमारे निहाल भाई हमको बोल रहे हैं कि कुछ गलती होगी अगर हैंपायर से, तो आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो प्रॉपरली देख के फिर डिसीजन देने बोलना है हैंपायर को. और ये जो मुकाबला जीतेगा गोल्डन स्टार वर्सेस इनिंग स्टार का ये मुकाबला है. ये जो मैच वो भी जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और फाइनल मुकाबला खेलेगा आरसी बॉयज के साथ. तो गाइस, यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होता हुआ माजिद स्टार्ट करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद. और हमारे यहाँ पर शाबाश जो कि खड़े हो चुके हैं क्रीज पर, और देखते हैं पहली गेंद पर क्या होता है. और शाबाश ने इजीली मारा है और ये एक रन के लिए जाता हुआ बॉल, और ये बॉल पर एक रन मिलेगा, एक रन मिलेगा. और हमारे पास बॉल बहुत है इसीलिए सेकंड बॉल से मैच स्टार्ट किया जा रहा है. और यहाँ पर हमारे शेखर और शाबाश के बीच में पहली गेंद के बाद में नुकझुक चलती हुई कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है करके. और माजिद अपनी पहली बॉल लेके माजिद अपनी सेकंड बॉल लेके स्टार्ट कर रहे हैं मैच. और माजिद की अगली गेंद जिसे शाबाश ने इजीली प्लेड करके एक रन चुरा लिया है. और यहाँ पर हैं हमारे डीके भाई जो कि मैच का पूरा मजा लेते हैं, भले उनकी टीम हारे या जीते उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, बट जो है कि स्पोर्ट्समैनशिप है ये उनके अंदर. और माजिद की तीसरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर शाबाश क्या करते हैं. और ये अगली गेंद जिसे माजिद की बॉल को मार दिया और इजीली पकड़ के ये आउट होने का चांस था बट नहीं, आउट होने का चांस था बट नहीं. और यहाँ पर रोशन की प्रशंसा करते हुए बॉलर, देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है. और यहाँ पर शेखर आ चुके स्ट्राइक पे और ये बहुत ही बड़ा शॉट मारा, उन्होंने बहुत ही बड़ा फील्डिंग की थी और रन आउट होने का चांस है, लेकिन नहीं, ये डायरेक्टली उन्होंने फेंक दिया है कीपर के ऊपर से. इसी के साथ दो रन इस बॉल पर आते हुए. अब देखते हैं शाबाश क्या करते हैं अपने टीम के लिए, कितने रन जोड़ पाते हैं. देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है. और ये माजिद की अगली गेंद जिसे मार दिया उन्होंने इजीली और एक गैप से निकलता हुआ बट पकड़ लिया है इसे निहाल भाई ने. और ये माजिद की अगली बॉल, बट यहाँ पर अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं शाबाश कैसे करना है कैसे नहीं. और ये अगली गेंद लेकर तैयार माजी, देखते हैं शेखर इस गेंद पर क्या करते हैं. और उन्होंने बहुत ही बढ़िया मारा है बट आउट होने का चांस है, और अंदर रन आउट होने का चांस है. और देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर रन आउट होने का चांस है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है. और हैंपायर ने आउट दिया है, आउट दिया है, आउट दिया. इसके साथ एक और विकेट गिरता हुआ.
और यहाँ पर हमारी पब्लिक खचाखच भरी हुई है स्टेडियम में, जो कि जीपीएल का मजा ले। और यहाँ पर सुलिंदर आते हुए, जिन्होंने इसके पहले वाले सुपर ओवर में बढ़िया शॉट मार के लास्ट बॉल पर अपनी टीम को, जो कि उनकी टीम है इनिंग स्टार, उसको जिताते हुए, जिसकी बदौलत अब इनिंग स्टार खेल रही है गोल्डन स्टार के साथ। और यहाँ पर नेक्स्ट ओवर लेकर रोशन तैयार हो चुके हैं, देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। और दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार हो चुके हैं रोशन, और ये रोशन की अगली गेंद, और नो बॉल का इशारा लेग एम्पायर द्वारा। इसी के साथ दो रन जुड़ता हुआ और सोयल फील्डिंग कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अब क्या होता है। पहला बॉल तो नो डाल दिया है रोशन, और ये अगली गेंद, ये वाइड गेंद का इशारा है एम्पायर द्वारा। जीरो बॉल पे तीन रन दे दिया है यहाँ पर रोशन ने। अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये उनकी अगली गेंद, और इसे इजीली प्लेट करके एक रन के लिए ढकेल दिया है। और ये रोशन की अगली गेंद, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और टच किया, लेकिन यहाँ पर रन आउट होने का चांस है, और नहीं, सोहेल ने इस बॉल को थ्रो ही नहीं किया, नहीं तो रन आउट होने का चांस जरूर होता था। और यहाँ पर सोयल आते हुए बाउंड्री पर, देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये रोशन की अगली गेंद, देखते हैं शिखर इस पे क्या करते हैं। और कर दिया यार यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए रोशन, क्या बॉल टर्न हुई उनकी, ये वाली देखने के लायक थी ये बॉल। और पब्लिक आप देख सकते हो गाइस, पब्लिक खचा खच भरी हुई है हमारे इस ग्राउंड पर जीपीएल का मजा लेते हैं। और देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और शेखर ने मारा इसे इजीली, और ये एक रन के लिए। यहाँ पर मांजिद बोलते हुए कि अगर ये जो आप देख रहे हो गाइस, अगर इस पर्दे पे अगर बॉल लग जाएगा तो फोर दिया जाएगा, भले वो ऊपर से आए या नीचे से जाए, इस पर अगर टच होता है तो वो बॉल फोर ही होगा। और ये रोशन की अगली गेंद, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाला है उन्होंने, बट लेकिन एक रन चुराने में कामयाब हो चुके हैं शेखर। और रोशन तैयार हो चुके हैं अपनी अगली गेंद लेकर, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाला उन्होंने, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब हो चुके हैं शेखर। इनिंग का लास्ट ओवर है, देखते हैं इस ओवर में क्या होता है, कितने रन जुड़ते हैं, कितने रन बन पाते हैं, कितने विकेट गिर पाते हैं, और हमारे जो फील्डर है कितने रन बचा पाते हैं। और ये सोहेल की पहली गेंद, जिस पर मार दिया है इजीली, और रन आउट होने का चांस है, बट देखना पड़ेगा रन आउट है या नहीं, रन आउट है या नहीं। और नॉट आउट का इशारा हमारे एम्पायर विवेक द्वारा। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर तैयार हो चुके हैं सोहेल, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और ये सोहेल की अगली गेंद, और ये बीट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं सोहेल। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है सोहेल के। यहाँ पर शेखर भी तैयार हो चुके हैं, और ये अगली गेंद जिसपे मार दिया उन्होंने इजीली, और ये एक रन के लिए, सॉरी दो रन के लिए जा रही थी, बट उसे एक रन में कन्वर्ट कर दिया है रोशन ने। देखते हैं अभी अगली गेंद पर क्या होता है, सोहेल कितने विकेट ले पाते हैं। और ये अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया मारा उसे, और ये एक रन उन्होंने बचा लिया, एक रन उन्होंने बचा लिया है, एक रन सेव कर दिया है राजन ने, जो कि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं इस जीपीएल में। और सोहेल की ये अगली गेंद, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है।
और सोहेल की अगली गेंद देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और बहुत ही बड़ा शॉट मारा उन्होंने और ये एक रन चला गया है, एक रन चला गया है। अरे लारा भाई जिनकी टीम अभी हार चुकी है, कोई ना, नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेंगे आपसे हम। और इस इनिंग की ये आखिरी गेंद है, देखते हैं ये गेंद पर हमारे शेखर जो हमारे बैट्समैन है वो फोर मार पाते हैं या नहीं, या सोहेल उनका विकेट ले लेते हैं। और इस इनिंग की आखिरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और सोहेल की ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और इसे मार दिया है बहुत ही ज़बरदस्त शॉट के साथ में, बट माजिद की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग जिसके कारण इनिंग स्टार ने अभी तक एक भी फोर नहीं मार पाया है इस इनिंग में। और गाइस यहां पर अभी हमारे गोल्डन स्टार जिनको जीतने के लिए 18 बॉल पर 20 रन की जरूरत है, और हमारे स्ट्राइक पर है माजिद, नॉन स्ट्राइक पर है सोहेल और बॉल लेकर तैयार हो चुके हैं सहबाज। देखते हैं उनकी पहली ओवर में कैसी बॉलिंग होती है। और ये बहुत ही बड़े बॉलिंग करते हैं और ये बाहर जाता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ गोल्डन स्टार का, और इनिंग स्टार की टीम में खुशियां ही खुशियां, बिकॉज माजिद थे वो जो इस मुकाबले को जीता सकते थे, जो कि इनिंग स्टार के हाथों से ये मुकाबला छीन कर गोल्डन स्टार की टीम में दे सकते थे, बट पहली ही विकेट उनकी गिर चुकी है पहली ही बॉल पर। अब आए हमारे निहाल भाई, देखते हैं वो क्या करते हैं। और शाबाश की ये अगली गेंद, सॉरी ये डेड बॉल होगी। और शाबाश की ये अगली गेंद, देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। और ये अगली गेंद को टच करके इजीली एक रन चुरा लिया है निहाल ने उनकी टीम ने। और यहाँ पर दो रन का चांस और ये दो रन चुरा लिया है निहाल ने। और यहाँ पर बहुत ही खुशियाँ बट रही हैं हमारे गोल्डन स्टार के खेमे में। और यहाँ पर एक रन एक्स्ट्रा जुड़ता हुआ गोल्डन स्टार की टीम में। सहबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार और ये अगली गेंद को टच कर दिया है और ये एक रन चला गया है, एक रन। देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं सहबाज, कौन सा टर्न करते हैं। और निहाल स्ट्राइक पर, देखते हैं निहाल क्या करते हैं। और ये सहबाज की अगली गेंद जिसे प्लेस करके भागने का लिए भाग चुके हैं, रन आउट होने का चांस था बट नहीं, बच चुके हैं निहाल। और यहाँ पर पब्लिक खचाखच जुड़ते हुए GPL 2022 का मजा लेते हुए। और ये सहबाज की अगली गेंद जिस पर सोहेल ने छोड़ दिया है, लेकिन ये वाइड होने का चांस है या नहीं, नहीं वाइड बॉल नहीं है, ये डॉट बॉल है। और ये अगली गेंद लेकर तैयार हो चुके हैं सहबाज और ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारा उन्होंने बट नहीं, ये स्टिल डॉट होगा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर एक ओवर में चार रन। देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है यह मुकाबला, गोल्डन स्टार या इनिंग स्टार। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी चालू है, कौन बॉल डालेगा, रोहित डालेंगे या शेखर, बट रोहित को चुना गया है। यहाँ पर विकेट कीपर चेंज होते हुए हमारे शशि भाई जा रहे हैं विकेट कीपर, जिनकी जर्सी नंबर है 734734। और ये निहाल की अगली गेंद और ये पहले ही बॉल पर विकेट आउट होते हुए, पहले ही बॉल पर। और ये बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए रोहित, देखते हैं क्या होता है इस मैच पर, कौन जीतता है इनिंग स्टार या गोल्डन स्टार। और अभी स्ट्राइक पर आ चुके हैं हमारे रोशन, जो कि बहुत ही कड़क प्रहार करते हैं, कड़क शॉट मारते हैं, देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये अगली गेंद और ये रन आउट होने का चांस था क्योंकि सोहेल पहले ही निकल जाते थे आगे,
बट वो आ गए हैं अंदर क्रीज के। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये अगली गेंद जिसे टच कर दिया इजीली एक रन के लिए। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। और ये अगली गेंद लेकर तैयार हो चुके हैं। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। इजीली उन्होंने टच करके एक रन जोड़ लिया है अपने खाते में। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं रोशन। 2 बॉल पर 2 रन इन्होंने बना दिया है। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। और ये रोशन का बहुत ही बढ़िया प्रहार, लेकिन बॉल पकड़ लिया है अरबाज ने और यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं रोशन। रन आउट हो चुके हैं। दो रन चुराने के लिए एक विकेट गवाते हुए हमारे गोल्डन स्टार की टीम, जो कि रोशन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनका ही विकेट गिर चुका है यहाँ पर। और हमारे अरबाज जिन्होंने बहुत ही कड़क फील्डिंग किया है इस टाइम पर। अब देखते हैं हमारे डीके भाई आए हैं। डीके भाई ये क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को जिता पाते हैं या नहीं। और पब्लिक को देख सकते हो, खचा खच पब्लिक भरी हुई है यहाँ पर। जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक पब्लिक की पब्लिक भरी। ऊपर का हो या नीचे का हो, हर जगह पब्लिक की पब्लिक भरी हुई है। और अगली गेंद लेकर तैयार है रोहित। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और ये रोहित की अगली गेंद जिसे मारा है बहुत जोर से, लेकिन बॉल बैट से कनेक्ट ही नहीं हुआ। और अगर बॉल बैट से कनेक्ट होती तो ये स्टेडियम के पार ही मिलती है। रोहित जो कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो कि इनकी टीम है इनिंग स्टार। और रोहित की अगली गेंद देखते हैं डीके पे क्या करते हैं। और उन्होंने प्लेस किया और यहाँ पर कैच आउट होते हुए। इसी के साथ 6 बॉल पर 13 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 बॉल पर 13 रन चाहिए। ये जो टीम जीतेगी गाइस, इनिंग स्टार या गोल्डन स्टार, कोई भी जीत सकता है इस मैच को। इसके पहले वाले मुकाबले में भी हमें लगा था कि जो हमारी इनिंग स्टार है वो हार जाएगी, बट 1 बॉल पर 4 रन मारकर सुलिंदर ने गेम को पूरा घुमा ही दिया, जिसकी बदौलत ये टीम अभी खेल रही है क्वार्टर फाइनल में। जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली जाएगी फाइनल में। उसका मैच होगा विवेक की टीम के साथ, जो कि है आरसी बॉयज। शेखर इस मैच की, इस इनिंग की लास्ट ओवर डालने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखते हैं सोहेल अपनी टीम को जिता पाते हैं या नहीं। और सोहेल की बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही है। एक रन चला जाएगा। बॉल इस पर्दे पर टच नहीं हुआ है गाइस। ये पर्दे पे अगर बॉल टच होगा तो ही वो 4 माना जाएगा। बॉल उड़ गया था इस वजह से बॉल 1 रन के लिए चला गया। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है, सोहेल क्या करते हैं। और शेखर लेके तैयार और मारा उन्होंने। और यहाँ पर विकेट लेते हुए गोल्डन स्टार का एक और विकेट गिरता हुआ। इनिंग स्टार का दमखम बढ़ता हुआ इस मैच में, वो जीत सकते हैं। देखते हैं अभी शेखर की अगली गेंद पर क्या होता है। और शेखर की ये अगली गेंद देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। और उन्होंने मारा है बहुत ही बढ़िया, बट ये 1 रन के लिए चला जाएगा। इसी के साथ 3 बॉल पर 11 रन। देखते हैं नेक्स्ट बॉल शेखर की इस बॉल पर क्या होता है। और उन्होंने मारा है बहुत ही जोरदार, लेकिन मिस होकर बोल्ड होते हुए। और यहाँ पर हमारे राज भाई जो आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं इस GPL 2022 में,
और ध्रुव उतरते हुए देखते हैं ध्रुव क्या करते हैं। और ये उनके सर पर लगता हुआ बॉल लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट किया जा रहा है एम्पायर से। देखते हैं क्या होता है। नो बॉल का इशारा दिया जा रहा है हमारे एम्पायर द्वारा। देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। और यहाँ पर ध्रुव ने इसे प्लेस कर दिया है और यहाँ पर इनिंग स्टार फाइनल में जाते हुए। देखते हैं क्या होता है। और ये इस ओवर की लास्ट बॉल जिसे मार दिया है ध्रुव ने और ये आउट हो चुके हैं और इनिंग स्टार जाते हुए फाइनल में, जिनका मुकाबला होगा आरसी बॉयज से। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे फाइनल में। टिल देन स्टे सेफ और जुड़े रहिए हमसे।